अज मैं इस अमृतसर की पावन धरती जिसनों की एक शहीदां की धरती कहा जाता है और योध्या की नर्सरी कहा जाता है और ये जलियांवाला बाग की जिहड़ी धरती है ये सानू दर्शाती है कि असी अपने देश की रक्षा करनी है और शहादत देने वाले परवाने इस धरती तो पैदा होंदे है। ये भगती का भी सोमा है, ये गोल्डन टैंपल की धरती है, ये दुर्गयाना की धरती है, ये भगवान वाल्मीकि की धरती है, रामायण का आगाज इत्थे होया है। और अज मैं इत्थे आया और अपने परिवार दे विच क्योंकि अमृतसर शहर मेरा परिवार है और इन्हां दे विच आ के मैनूं खुशी प्राप्त होई है और मैं अपनी ड्यूटी नूं हुण दिन रात अंजाम दे रहा हाँ। और मेरी कोशिश इस गल दी है कि ये जिन्हें भी तुहाडे सुपने है उही मेरे सुपने है, जिहड़े लोकां दीआं मुश्किलां है उही मेरीआं मुश्किलां है, इन्हां सारीआं मुश्किलां नूं मैं हल कर पावां। और दूसरी गल मैं तुहानूं एक गल कहां कि असी साड़ी सब तो जिहड़ीआं पंज छे प्रायोरिटीज़ जिन्हों असी शुरू कीता होया, पहली प्रायोरिटीज़ दे विच जिहड़े किसान है उहनां दे अंदोलन नूं सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है, पूरी तरह दे नाल सरकार ये खेती कानूनां दे खिलाफ ये संघर्ष दे विच किसानां दे नाल आ। दूसरी गल मैं तुहानूं एक गल कहना चाहना कि जिहड़ी यूपी दी घटना होई है, मैं रोज़ ये गल कह रहा है कि किसानां दे उपर तालिबानी हमला होया और पहले किसानां दे अंदोलन नूं कुचलिया जांदा सी, अज डायरैक्ट किसानां नूं कुचलिया जा रहा है और उहनां दीआं हत्यावां हो रही हैं। और जिहड़ा कोई इंसान उत्थे जा के हमदर्दी जताना चाहुंदा है या परिवारां नाल दुख दर्द वंडना चाहुंदा है उहनां नूं जेलां च बंद किया जा रहा है और उहनां नूं तशद्दुद किए जा रहे हैं। और जिस तरीके दे नाल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मैनूं हैरानगी इस गल दी है कि प्रधानमंत्री जी इस गल दे वास्ते एक भी शब्द नहीं बोले, उन्होंने संवेदना भी प्रगट नहीं की। असी ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली होवे, ये देश बड़िया कुर्बानियां दे के ये जड़ा हैगा वो शहादत दा देन तो बाद ये देश आजाद होया, उस आज़ादी का जे निग मानना है तो इनू होर बर्बाद करने की हुण कोशिश ना करो। सानू चाहिए आपसी भाईचारक सांझ और उस सांझ दे वास्ते असी हमेशा तत्पर तैयार रहांगे और हर कुर्बानी देने तैयार रहांगे। मैं तो तुहानूं कहा कि उत्थे लोकतंत्र तो है ही नहीं, उन्हां दा लोकतंत्र च विश्वास है ही नहीं। और इसलिए मैं तुहानूं एक गल कही है कि अज असी सारे इस गल नूं महसूस करदे हैं कि देश पूरा अज ठगिया होया महसूस करदा है। देश कह रहा है कि बई तुसीं अपने शहीदां नूं शक्की हालत नाल देखण ते मजबूर कर रहे हो, लोकां नूं अपने जिहड़े साडे नेता जिन्हां ने इह देश नूं आजाद कराया उन्हां नूं कंट्रोवर्शल करन दी कोशिश कर रहे हो, ते तुसीं कहना की चाहते हो, तुसी करना की चाहते हो? ये देश जड़ा है ये सांझा देश है और असी हर सूरत दे विच इत्थों दी एकता अखंडता दे भाईचारे सांझ कायम रखा। मैं तुहानूं यह कहा कि उन्हां नूं बेशर्मी दी भी को आलम हुंदा, हद हुंदी है, हर हदां ये जिहड़ी है केंद्र दी सरकार ये पार कर रही है। और जित्थों तक सवाल इस गल दा है कि अज जीरकपुर तों अज 10,000 गड्डियां दा काफिला नवजोत सिंह सिद्धू लैके यूपी दे विच एंटर होंगे, साढ़े प्रधान है और असी पूरी तरह नाल किसानां दे नाल सपोर्ट ते खड़े रहांगे। और दूसरी मैं एक गल अहम कहना चाहना वो ये है कि बहुत लंबे समय तो स्कॉलरशिप दे मामले नूं लैके रोले पै रहे और बहुत सारियां गल्लां सामने आईयां सी और तुसी पेपरां च पढ़ लिया कि मैं बिल्कुल इस गल लई ये वार्निंग दे दित्ती कि जिथे जिथे भी जे अफसर दा कसूर है तो उस दे खिलाफ कार्रवाई होएगी। और जिहड़े कॉलेज है वो तुहाडे चैनल आते मैं अहम खबर दे रहा कि 100 करोड़ तो वध दी रिकवरी है, मैं तमाम कॉलेज जिन्हां दीआं रिकवरियां बनदियां उहनां नूं अपील कर रहा पहले शब्दां दे अंदर कि एक हफ्ते दे विच विच वो सारे पैसे वापस वो खजाने च जमा करवाओ, नहीं तो एक हफ्ते बाद FIR दर्ज होएगी।
ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਘਬਰਾਏ ਫਿਰਦੇ, ਡੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।